समझना, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के पास वही भेजी कि ऐ मेरे पैगंबर, आप दरिया के किनारे जाइए, मैं आपको अपनी निशानियां दिखाना चाहता हूँ, अपनी निशानी दिखाऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम दरिया के किनारे गए अल्लाह के वो निशानी देखने के लिए, मगर दूर दूर तक कहीं कोई निशानी नजर नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने एक जिन को बुलाया, उससे कहा तो दरिया के अंदर जा और जाकर देख कहीं वो निशानी दरिया के अंदर को नहीं आई। एक जिन आया और वो दरिया के अंदर गया, मगर उसकी कैपेसिटी थी आधी गहराई तक। वो वहां पर गया, वापस आ गया, अल्लाह के नबी आधी गहराई तक मैं गया, वहां समंदर में कुछ मुझे नजर नहीं आया, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल जिन्नात को आप समंदर के तहत भेज कर देखे, हो सकता है वो निशान अल्लाह ने समंदर के तहत मैं कहा। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहि सलाम ने एक बहुत मजबूत जिन को बुलाया, उससे कहा कि जा तू समंदर के तह में जा और जाकर वहां देख कि वो निशान कहीं समंदर के तह में तो नहीं है। वो जिन गया समंदर की तरह में, उसने क्या देखा, समंदर की तरह में एक आलीशान मकान, एक इमारत, एक बंगला, और इतनी 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 खूबसूरत इमारत देखने के बाद दिल खुश हो गया, ईमान खड़ा हो गया। वो जो क्या देखता है कि वो इमारत का दरवाजा भी खुला है, खिड़की भी खुली है, और एक बंदा है जो अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है। सुभानअल्लाह, आपने नमाज पढ़ने वाले नमाजी को कादिया में देखा है, आपने नमाज पढ़ने वाले नमाजी को कादिया की मस्जिद में देखा है, नमाज पढ़ने वाले नमाजी को आपने पहाड़ों पर देखा होगा, नमाज पढ़ने वाले नमाजी को आपने रोडों पर देखा होगा, नमाज पढ़ने वाले नमाजी को आपने इबादतगाहों में देखा होगा, नमाज पढ़ने वाले नमाजी को आपने ईदगाह में देखा होगा, मगर पानी के अंदर कोई नमाज है ये आपने नहीं देखा होगा। अल्लाह के अभी भी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने कहो कि उसे जिन समंदर के तह में गया, उसने क्या देखा कि एक खूबसूरत इमारत जो समंदर के तह में है, और उस इमारत के अंदर एक एक इंसान जो अल्लाह की इबादत कर रहा है। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात ये थी कि खिड़की खुली है, दरवाजे खुले हैं, मगर पानी का एक कतरा तक अंदर नहीं है, पानी का एक कतरा उस महल के अंदर नहीं है। और बंदा नमाज से जब फारिग हुआ तो उसके लिए अनार जाहिर हुए, अनार को तोड़ा खाया, जब पानी की हाजत हुई तो मीठा चश्मा जारी हुआ, मीठे चश्मे से पानी पिया, वो जिन पूरा का पूरा महल बिठाकर समंदर से बाहर आया, अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो महल बिठा कर रख दिया। और थोड़ी देर के बाद जब वो बंदा फिर नमाज से फारिग हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सलाम अर्ज करता है, अल्लाह के नबी ने उसका जवाब दिया। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा, अरे बंदा बता तो इंसान है कि फरिश्ता? उसने कहा मैं इंसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हैरत हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते थे, अल्लाह के बंदे ये बता कि लोग जमीन के ऊपर इबादत करते हैं मगर तू इबादत करने के लिए पानी के अंदर कैसे गया? उसने कहा कि अल्लाह के नबी इसमें मेरी माँ की दुआ है, इसमें मेरी किसकी दुआ है, इसमें मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा कि माँ की दुआ, अच्छा ये बताओ तुम कितने साल से नमाज पढ़ रहे हो? उसने कहा कि 2000 साल से। कितने साल से? 2000 साल से। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा इतनी लंबी उम्र और आज तो 2000 साल से नमाज पढ़ रहा, मगर फिर भी आज भी तेरी तारीख आ गई, तू देखो जवान। कहा इसमें मेरे बाप की दुआ है, इसमें मेरे बाप की दुआ। अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान बराबर बाप की दुआ की कुछ खासियत असलियत तो बता कि आखिर इतनी लंबी दुआ तुझे कैसे मिल गई? तो कहता अल्लाह के नबी मैं घर पे था, गरीब था, मेरी माँ जई था, मेरा बाप जई, मैं जब बकरियां लिया कि जंगल जाता, जब चरा के शाम को वापस आता, बकरियों से दूध निकालता, घर में जो रोटी हुई थी रोटी को दूध में तोड़ता,
मेरे बच्चे भी चाहते थे कि मैं दूध दूध ही दे दूं, लेकिन मैं बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं करता। सबसे पहले दूध में रोटी तोड़ कर उसे अपनी माँ की जुबान पर रखता। जब मेरी माँ नरम नरम रोटी को खाती थी, जब उस खाने को जब वो निकलती थी तो अपनी जुबान से कुछ कैसे कुछ होंठ हिलते रहते थे। जब तक कान को माँ के होठों के करीब करता तो सुनता था कि माँ ये दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे का नाम बलियों की जमात में लिख दे, और या अल्लाह मेरे बेटे को अपनी इबादत के लिए ऐसे मकाम पर पहुंचा दे, ऐसी जगह पर रख दे जहां शैतान की रसाई न हो सके। अच्छा तो इतनी लंबी उम्र कैसे काश में मेरे बाप की दुआ है। कहा कैसे? तो कहता कि जब मैं माँ को खिला के फारिग होता तो फिर अपने वालिद के पास जाता, फिर अपने वालिद के मोहतरम को खिलाता, उनके मुंह में रखता, उनको खिलाता, और फिर जाते जाते जब मेरे वालिद सोने लगते तो उनके पैरों को दबाता, उनके सरों पर मालिश करता, तो मेरे वालिद सब कुछ मेरे लिए दुआ करते थे और अपने होठों को हिलाते थे। तो मैंने सोचा कि माँ तो दुआ करती ही है, जरा बाप की दुआ भी सुनूं कि मेरे वालिद मोहतरम क्या कहते हैं। तो जब मैं कान लगाकर अपने वालिद मोहतरम की आवाज सुनता हूँ तो मेरे वालिद ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मेरे बेटे को लंबी उम्र अता फरमा दे, जो बहुत दिनों तक 30 साल तक हजारों साल तक जो तेरी इबादत करता रहे, तो ये यकीन भी अगर मैं 2000 साल से इबादत करता हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप की दुआ है। तो ये वाक्य सुनाने का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में इंकलाब चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, बलाओं से बचना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें गुनहगार से समझ रहे। तो माँ बाप की दुआ बहुत बड़ी चीज है। हम लोग क्या कहते हैं, दो लेते हैं, दो लेते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अपने वालिदैन की खिदमत इसलिए करो, इसलिए कि ताकि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हारी खिदमत करे। अपने वालिदैन को बुढ़ापे में किसी का मोहताज इसलिए मत रखो ताकि तुम अपने बुढ़ापे में किसी का मोहताज न रहो। बहुत बड़ा जुमला है, समझ लेना। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बयान में कोई लर्जी सब ऐसी माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वतूबु इलैह वा आख़िरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।